स्नैक्स के बिना पार्टी पूरी नहीं, स्नैक्स के बिना शाम भी पूरी नहीं, और स्नैक्स के बिना डेट भी पूरी नहीं। मैं हूं आपका अपना रिपु दमन हांडा, स्वागत आप सबके अपने शो में एमडीएच मसाले प्रेजेंट स्नैक अटैक फिरंगी ट्विस्ट पावर्ड बाय ओली एक्टिव। आज के टाइम में हो क्या गया है कि लोग स्नैक्स खाना ज्यादा पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि वो मेन कोर्स भूल ही जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाओ तो पहली बात क्या आती है, स्नैक में ऑर्डर क्या करें। पार्टी में जाए तो होता है कि यार पहले स्नैक्स में क्या है। ये सब प्रॉब्लम्स जो है ना वो हमने दो मिनट में सॉल्व कर दिया आपकी। चलिए आज का जो हमारा मेन हीरो है वो है रैप एंड रोल। शुरू करते हैं हमारी पहले रेसिपी जो है इंटरनेशनल रेसिपी वियतनामिक राइस पेपर रोल से। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं राइस पेपर, साथ साथ में हमारा ये सामान। अब एक लेते हैं बोल, स्टार्ट करते हैं हम कुकुम्बर को करते हैं पील। अब करना क्या है, इसमें हम इसके बीज यूज नहीं करेंगे, और दूसरी जगह हम क्या करते हैं, हम इसके कुकुम्बर के रिबन्स बना लेते हैं। अब इन रिबन से क्या होगा, आप इनको एक गार्निश भी बना सकते हैं या एक सलाद भी बना सकते हैं घर पे इजली। ये हो गए हमारे कुकुम्बर के रिबन्स भी रेडी। अब जो हमने ये कुकुम्बर काटा था इसको हम काट लेते हैं मैच स्टिक स्टाइल में, ये एक कट का नाम है। लेते हैं कैरेट, इस तरह से कैरेट को भी हम पील कर लेते हैं। ये हमारी कैरेट भी अच्छी तरह से पील हो गई। अब काटते हैं पतली पतली कैरेट, ये हमारी कैरेट भी रेडी। इसको भी हम पतला पतला जूलियन काट लेंगे, ये लीजिए। अब डालते हैं इसमें हम मशरूम्स, ये डाले इसमें हमने मशरूम्स। अब डालते हैं इसमें हम सॉल्ट एंड पेपर, ये गया पेपर सॉल्ट, हल्का सा ऑयल, सेसमी सीड्स एंड विनेगर, और साथ साथ में स्वीट चिली सॉस हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब लेते हैं बड़ा बोल, इसमें डालेंगे पानी। तो लीजिए, मैंने तो नॉर्मल पानी यूज किया है, ज्यादा गर्म नहीं है। इस राइस पेपर शीट को इसके अंदर इस तरह से डिप किया, और तब तक इसके अंदर डिप रहने देंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाए। चलिए लेते हैं हम मसलिन क्लॉथ्स, ये अब इजली सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको आराम से हम इस मलमल के कपड़े के ऊपर रखेंगे, ऊपर से इस तरह से दूसरा कपड़ा रखेंगे ताकि इसका जो पानी है ये हमारे मलमल के कपड़े सर ड्राई कर दे। ये निकाला, और ये जो हमारी शीट है इसको रखते हैं हम यहाँ पे इस तरह से फैला के। अब डालते हैं इसके अंदर हम मशरूम, कैरेट, स्वीट चिली सॉस के साथ इसके अंदर इस तरह से कुकुम्बर। अब क्या करने, ये किया हमने इसको एक साइड से इस तरह से, दूसरा इस तरह से, और अब इसको टाइट करके ऐसे हम इसको टाइट सिलेंडर शेप बनाते हैं, और ये हो गया रेडी। अब ये प्लेट लेते हैं इस तरह की, इसको हम बीच में से इस तरह का एक काट के अब करते हैं प्लेटिंग, बनाते हैं और लेते हैं
आइसबर्ग लेट्यूस, इसका क्या करते हैं हम, का ये पोर्शन इस तरह से लेकर पतला पतला काट लेते हैं इसको। तो लीजिए हमारा थाई सलाद भी रेडी। ये डाला आइसबर्ग लेट्यूस, इसके अंदर हमने थोड़ी सी स्वीट चिली सॉस, सॉल्ट, पीनट्स डालते हैं, रोस्टेड पीनट्स, और साथ साथ में सेसमी सीड्स, तिल। चलिए इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। अब प्लेटिंग करते हैं सैलेड की सेंटर में। तो लीजिए ये हमारा वियतनामिक्स राइस पेपर रोल रेडी हो गया। अब क्या करते हैं, अब चाइनीज भी खाते हैं चॉपिंग स्टिक से, और हम भी टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक मैं इसको टेस्ट करता हूँ, आप एक छोटा सा रिकैप लीजिए फटाफट इसका। वियतनामीज राइस पेपर रोल्स बनाने की विधि, खीरा छीलकर बारीक काट लें और बोल में डालें, गाजर छीलकर उसे लंबा पतला काटें और बोल में डालें, बारीक कटा हुआ मशरूम, नमक, काली मिर्च पाउडर, तेल, तिल और सिरका बोल में डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब स्वीट चिली सॉस डालकर अच्छे से मिलाएं। एक दूसरे बोल में पानी लेकर उसमें राइस पेपर की शीट भिगोएं। राइस पेपर शीट को मलमल के कपड़े पर निकालें। राइस पेपर की शीट पर सब्जियों का मिश्रण डालें। अब अच्छी तरह से राइस पेपर को फोल्ड करके उसका रोल बना लें। आइसबर्ग लेटस लीव्स को लंबा पतला काट लें और बोल में डालें। अब बोल में स्वीट चिली सॉस, नमक, भुनी हुई मूंगफली और तिल डालकर मिला लें। डिश को डिप के साथ सर्व करें। आपका वियतनामीज राइस पेपर रोल्स तैयार है। तो चलिए अभी हमने बनाई एक इंटरनेशनल रेसिपी, मिलता हूँ आपको एक और रेसिपी के साथ, तब तक लीजिए एक ब्रेक।